वड्डी खबर, गैंगस्टर मान जैतो का कतल करन वाले गोल्डी बराड़ के गुरगियां का एनकाउंटर होए वड्डे खुलासे। बंबीहा ग्रुप के कतल किए गए शूटर मान जैतो के कतल च एक होर वड्डी खबर सामने आ रही है। सामने आई जानकारी च पता लगा है कि दीपक मान उर्फ मान जैतो का कतल किए जाने तो पहला सोनीपत के सराहाना पिंड उसका किडनैप किया गया सी, जिस तो बाद करीब डेढ़ घंटे तक उसनू तसीहे दिते गए। तसीहे देने मगरों उसके सिर दे विच सत गोलियां मार उसका कतल कर दिता गया। यह जानकारी सामने आई है दीपक मान का कतल करने वाले शूटरों के वलों, जिन्हों पुलिस ने सूदे आधार से एनकाउंटर मगरों हिरासत में लिया है। सोनीपत पुलिस ने सोमवार को बंबीहा गैंग नाल संबंध रखने वाले पंजाब के खतरनाक गैंगस्टर दीपक मान की हत्या के संबंध में एनकाउंटर मगरों लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के चार मैंबरों हिरासत में लिया। गिरफ्तार किए गए शूटर की पछाण सोनीपत के गढ़ी सिसाणा पिंड के मनजीत, चेतन, जगबीर और ओजशवी वजो हुई है। पुलिस ने दस कि मुलजम साथी प्रियव्रत फौजी के नज़दीकी हैं, जो कि गायक सिद्धू मूसेवाला के कतल का मुख मुलजम है। स्पैशल एंटी गैंगस्टर यूनिट के इंचार्ज अजय तनकड़ ने दसिया कि उन्होंने सूचना मिली सी कि तीन मुलजम पिंड सिसाणा विखे बाइक से जा रहे हैं। साड़ी टीम ने नाका लाया तो उन्होंने अपनी बाइक रोकने लिए कहा। उन्होंने अचानक साड़ी टीम से गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों साइड तो हुई गोलीबारी मगरों उन्हां चों तीन नूं गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हां दीआं लत्तां विच गोलियां लगियां अते उन्हां दे चौथे साथी जगवीर नूं किसी होर थां तों गिरफ्तार किया गया। उन्हां दस्सिया कि तीनों गैंगस्टर मनजीत, चेतन अते ओजशवी जख्मी हो गए हन अते उन्हां नूं खरखोदा दे सिविल हस्पताल लिजाया गया, जिथों उन्हां नूं भगत फूल सिंह मैडिकल कॉलेज खानपुर कलां विखे रैफर कर दिता गया। असी उन्होंने को तीन हथियार बरामद किए हैं। पुलिस दीपक मान की हत्या के कारण की जांच कर रही है, जिसकी गोलियां बिन्नी हुई लाश एतवार को सोनीपत के हरसाणा कलां पिंड खेतों नेड़े मिली सी। शुरुआती जांच दौरान जगवीर ने कबूल किया है कि उन्होंने मान की हत्या की है। सो इसी जी इस समय की वड्डी क्राइम अपडेट, तो मिलते हैं किसी होर क्राइम अपडेट के नाल। उदों तक जुड़े रहो चैनल PMA न्यूज़ के नाल।